इस वीडियो में आज हम आपके साथ कुछ ऐसे ज्ञान की बातें शेयर करेंगे जिसको यदि आप पूरे ध्यान से पढ़ें या पूरे ध्यान से सुनें या देखें तो आपको जीवन में बहुत ही सकारात्मकता मिलेगी और आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन भी हो सकता है। इसमें हम आपके साथ कुछ ऐसे गुरु ज्ञान की बात करेंगे जो आपको एक सुखद ज़िंदगी जीने में बहुत ही मदद करेगी। ये सभी धार्मिक बातें बहुत ही अनमोल हैं, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जो लोग थोड़ा निगेटिविटी से घिरे होते हैं या डिप्रेस्ड होते हैं कि उनके जीवन में उन्होंने बहुत मेहनत करी या कुछ पाने की इच्छा करी जिसके लिए उन्होंने प्रयास किया लेकिन वो उन्हें नहीं मिला, तो वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और प्रयास करना ही छोड़ देते हैं। ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो उनके मन में एक ज्वाला प्रज्वलित करेगा, एक उत्साह प्रज्वलित करेगा, उत्साह को बढ़ाएगा ताकि वो कुछ अच्छा करने का दोबारा से प्रयास कर सकें। हमारे आसपास बहुत निगेटिव बातें होती हैं, हर कोई एक दूसरे को नीचा गिराने की कोशिश में लगा रहता है और इससे कहीं ना कहीं लोगों की सोच पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी लोगों को अच्छी बातें पढ़ने और देखने के लिए, सकारात्मक सोच पैदा करने के लिए प्रेरित करेंगे। आइए जानते हैं वो क्या बातें हैं। आपको अपने आप से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता, इसलिए अपनी काबिलियत को आपको खुद ही पहचानना पड़ेगा। ये काम और कोई दूसरा इंसान नहीं कर सकता। यदि आप हार मानते हो तो आपकी हार हो जाती है। यदि आप हमेशा जीत के बारे में सोचते हो तो आपकी जीत हो जाती है। दूसरों के बारे में बुरा सोचने में अपना समय व्यर्थ ना करें। इससे बेहतर होगा कि आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सोचें और इससे आपको फ़ायदा भी होगा। कोई भी कार्य बड़ा या छोटा नहीं होता है, छोटी होती है हमारी सोच। और दोस्तों, ये सच है कि इसकी वजह से हम कभी कभी अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। जब सोचना ही है तो बड़े से बड़ा सोचो, फ़र्क कहाँ है। सोचना तो दोनों ही स्थिति में पड़ेगा, चाहे आप छोटा सोचें या बड़ा सोचें, लेकिन अगर आप बड़ा सोचेंगे तो आपको मिलेगा भी कुछ अच्छा और बड़ा। हम सब हमेशा भगवान को ढूंढते हैं, लेकिन बहुत लोग ये नहीं जानते हैं कि हमारे माता पिता ही भगवान का एक रूप है, या यूँ कहें कि हमसे जो भी बड़े हैं, हमारे माता पिता, हमारे बुज़ुर्ग, वो हमारे लिए भगवान समान हैं। इसलिए उनकी रिस्पेक्ट करें, उनकी इज्जत करें, उन्हें प्यार दें। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं, इसलिए आपको अपनी सोच को ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक रखने की कोशिश करनी चाहिए। काली रात चाहे कितनी भी हो, लेकिन सुबह होने से कोई प्रकृति को होने से रोक नहीं सकता। ठीक उसी तरह यदि आपके जीवन में कुछ परेशानियां हैं तो भरोसा रखिए, एक दिन खुशियों का सवेरा ज़रूर होगा और भगवान आपको वो खुशियों का रास्ता ज़रूर दिखाएंगे। किसी का बुरा मत सोचो, किसी का बुरा मत देखो और ना ही किसी के बारे में बुरा बोलो। ऐसा गांधी जी ने कहा था, लेकिन ये विचार हमें अपने जीवन में ज़रूर अपनाना चाहिए। हमेशा अपने जीवन में लक्ष्य बनाते चलिए, क्योंकि बिना किसी लक्ष्य के जीवन जीना बहुत ही बेस्वाद लगता है। आप इस दुनिया के लोगों को बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि ये आपके बस की बात नहीं है, लेकिन जो आप बदल सकते हैं वो ये है अपनी खुद की सोच और अपने आप को। यदि आपकी सोच बदल जाएगी तो दुनिया में आपको भी बदलाव लगने लगेगा। यदि आपको कोई सफल बना सकता है तो वो केवल आप हैं, इसलिए जो कुछ भी करना है आपको ही करना है और कोई दूसरा इंसान आपको सक्सेस नहीं दिला सकता। हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आपके जीवन का एक अनमोल दिन है, फिर देखना आपका समय कितना अच्छा बीतेगा। आप वो चीज़ पालोगे जो आपको चाहिए। जीवन में सबसे बड़ा रिस्क ये है कि कोई रिस्क ना लेना। जीवन में सफल होने के लिए आपको थोड़ा रिस्क ज़रूर लेना पड़ता है, क्योंकि जो रिस्क नहीं लेते हैं वो आगे भी नहीं बढ़ते हैं। यदि आपके पास कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा है तो उसे आपको दूसरों के साथ भी बांटना चाहिए। कुछ लोग आपसे प्यार नहीं करते हैं और आपके पैसे से ही प्यार करते हैं। ये बात थोड़ी कड़वी लगेगी, ये हकीकत है। अगर आपकी जेब में पैसा है तो लोग आपके साथ हैं, और अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है तो आप किसी के लिए भी अस्तित्व में ही नहीं है, और कोई आपसे बात करना भी शायद पसंद ना करे। ये वो प्रेरणादायक ज्ञान की बातें हैं जो आपको अपने जीवन में उतारनी चाहिए। यदि आपको हमारी ये बातें अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो का फ़ायदा हो सके और उनको जीवन में सक्सेस हासिल करने के लिए मोटिवेशन मिले। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए ज्ञान की बातें।